Galitos presents Osamu Speaks. Hello friends and fans, this is Osamu Speaking. गर्मी की शिद्दत तो ऊपर ऐसे शूट कर गई है कि सड़क पर शॉवर लेने को दिल करता है। ऐसे कुत्तों वाली कैफियत में अगर तुम ट्रैफिक में फंस गए तो पीछे वाले अंकल तुम्हें हॉर्न दे दे के तुम्हारे होश खता कर देंगे। बर्दाश्त का मादा पैदा कर लो यार, बंद कर दो हॉर्न देना। डोंट बी सो हॉर्नी यार। अजय जी इसको ना एडिटिंग में काट देना, लोग बहुत जज करेंगे। खैर आज एक ऐसे अनमोल शो की बात करेंगे जिसका नाम है सीआईडी। आज ऑनेस्ट एपिसोड ऑफ सीआईडी की कहानी अपनी जुबानी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर वन, एपिसोड के स्टार्ट में एक एवरेज लुकिंग इंडियन अंकल और आंटी का जोड़ा घर वापस आता है और उनको फर्श पे फैली हुई अपनी बेटी चंदा की लाश मिलती है। लाश देख के तो माँ की आंख हो जाती है और उसकी आंख से आंसू रुकते नहीं, लेकिन बाप ऑन द अदर हैंड अपने जज्बात कंट्रोल करके न एम्बुलेंस को बुलाता न पुलिस को बुलाता है, सीधा इस होम का लोन लेके एसीपी प्रद्युमन को सीआईडी कॉल कर देता है। पहली बात तो इस शो में दुनिया के सबसे ज्यादा केयरलेस वालिदैन दिखाए जाते हैं, जो अपने ही बच्चों को गंदे कपड़ों की टोकरी में ढूंढ रहे होते हैं और दो मिनट अगर बच्चा नहीं मिले तो सीधा ही सीआईडी को फोन कर देते हैं। हेलो सीआईडी, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। अरे भाई रुक तो जा, क्या पता बिट्टू 10 रुपए के तुरतुरे लेने गया हो। 10 रुपए के तुरतुरे भाई, इस शो में किसी का बॉल पेन भी घूम जाए तो सीधा सीआईडी को कॉल करते हैं। कमिंग बैक टू द केस, स्टेप नंबर टू, सीआईडी की टीम घर में घुसते ही लाश का भाड़े वाले डीएसएलआर से फोटो शूट करते हैं और तभी अचानक दया बोल पड़ता है, सर इसके गले पे तो रस्सी के निशान है। इसका मतलब समझे दया? नहीं सर, मैं इसका मतलब नहीं समझा सर। इसका मतलब खूनी ने गला घोंट के मारा है। वाह वाह, बहू रम्मी राजा जी, बेस्ट और बहू रम्मी। मार्वल को चाहिए कि कैप्टन मार्वल बनाने से पहले एसीपी प्रद्युमन को कास्ट करके कैप्टन ऑब्वियस के टाइटल से एक मूवी बना दे। ये शख्स इतने ऑब्वियस जुमले बोलता है कि कायम अली शाह भी बोलने पे मजबूर हो जाए। मैं तुम्हें डेमो बताता हूँ सर, यहाँ तो किसी की लाश पड़ी है। इसका मतलब समझे अभी जी? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं समझ। इसका मतलब यहाँ खून हुआ है। सर तस्वीर में तो कातिल के सर पे बाल ही नहीं है। इसका मतलब समझे दया? सर कख नहीं पले पया, कसम से आप ही बता दो। इसका मतलब खूनी गंजा था। खैर कमिंग टू द स्टेप थ्री, अब बारी आती है पूरे घर के तलाशी लेने की और तब मिलता है एक अनमोल सुराग, फर्श पे छपे कातिल के फुटप्रिंट की मट्टी। अब ये फॉरेंसिक्स वाला उत्तराखंड का सुपर मारियो जिसकी अपनी मट्टी पलीत है, ये तजुर्बा करके बताएगा कि ये मट्टी कहां से आई है। लो जी पता चला कि ये मट्टी तो अलास्का के नेशनल फॉरेस्ट टोंगास में पाई जाती है और डॉक्टर सालुके के साथ इस लैब में डॉक्टर तारिका भी पाई जाती है। आए दिन तारिका पे ये इछरे का अजय देवगन अभिजीत लाइने मारता रहता है। इस तरह के ठरकी बच्चे शादियों में लड़कियों के कमरे में झांक के पूछते, मेरी अम्मी इधर तो नहीं है? इश्क की आतिश में अभिजीत का दिल तड़प रहा है और जल रहा है सीना। अरे कोई इसकी आग बुझाओ, कोई इसकी प्यास बुझाओ। अभिजीत तुम पाकिस्तान आ जाओ, मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। अरे आमिर भाई क्या कर रहे हैं यार, रमजान के बाद बुला लियो। स्टेप नंबर फोर, अब बारी आती है पूछताछ की। इस फेज में मरहूम के घर के 50 किलोमीटर के रेडियस में हर मोची, कारपेंटर, सुनार, लोहार, वॉचमैन, इजी लोड वाले, सर पर तरबूज रखने वाले, फ्रूट वाले तक सबसे एक ही सवाल पूछा जाता है, क्या चंदा मैडम की किसी से दुश्मनी थी? और सबका जवाब एक ही होता है, अरे नहीं साहब, चंदा मैडम तो फिगर से जितनी हॉट थी तबीयत से उतनी स्वीट थी, कोई क्यों खून करेगा चंदा मैडम का। लेकिन तभी वॉचमैन के मगज में घंटी बजती है और उसको कुछ याद आता है, लेकिन साहब मैंने 2 दिन पहले उनको किसी लड़के के साथ झगड़ा करते हुए देखा था साहब। फिर उसी वॉचमैन की अमेजिंग इमेजिनेशन यूज करके कातिल का स्केच बनवाया जाता है। स्टेप नंबर 5, करते कराते सीआईडी की टीम एक मशकूक के घर घुसती है जिसके घर का दरवाजा बंद होता है और इस गरीबों के थेनोस को तभी एक ऑर्डर मिलता है, दया दरवाजा तोड़ दो। बस फिर न दया दाएं देखता है न बाएं देखता है, एक तूफानी लात दरवाजे को तोड़ के मजीद मोहल्ले के 4 घरों की दीवारें तोड़ देती है और उसी घर में एक मशकूक बंदा मिलेगा जो पकड़ने से पहले ही बोलेगा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दे। और फिर वो कहेगा मैंने खून नहीं किया साहब, मैंने खून नहीं किया। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता लगा कि खून हुआ है? केस सॉल्व हो गया, मतलब कि एक छोटी सी स्टेटमेंट ने केस सॉल्व कर दिया। अब जो डॉक्टर सालुके ने रिसर्च की थी ना, वो उसकी रिपोर्ट बनाए, उसको प्रिंट करे, उसकी बत्ती बनाए,
स्टेप नंबर 6, दया की एक चपेट के बाद ट्रांजिशन टू कन्फेशन आता है और बंदा सब उगल देता है स्टूल पे बैठ के। अरे इसका भी डेमो दिखाता हूँ। हाँ, मैंने ही मारा उसे। क्या करता, प्यार करता था उसे। अभी ये कौन सी लॉजिक है बे? पहली दफा जब हम मिले थे मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कहती चंदा। मैंने कहा मेरा नाम नील आर्मस्ट्रांग। बस फिर उसके बाद दोस्ती हो गई। छी गंदी बात से लेकर अच्छा बाबा कर लो तक के मोहब्बत का सफर में कैसे बुला सकता हूँ। अरे तो फिर मारा क्यों? कहती है अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तब शादी करूंगी। यहाँ महबूब जब तक अपने पैरों पे खड़ा होता है तब तक महबूबा का बच्चा अपने पाँव पे दौड़ रहा होता है साहब। क्योंकि देखो अब इतना भी इजी सीन तो नहीं है ना। कहती है 1 करोड़ जोड़ के लाओ, कुछ टूटी चप्पल नहीं जोड़ सकती थी। फिर क्या यार, मार दिया मैंने बेबी को। बहस बहुत पसंद था, मैंने झंझटी खत्म कर दिया, अपने दिमाग को पागल होने से बचा लिया। अब तुम्हें जेल की सलाखों से कौन बचाएगा। एपिसोड खत्म। 20 साल से ज्यादा हो गए लेकिन आज तक सीआईडी के ऑफिसर्स को प्रमोशन तक नहीं मिली। बचपन से देख रहे हैं यार, कैसे मिटाएं अपनी मेमोरी से एक एक एपिसोड। मैं ये सब भूलना चाहता हूँ, मुझे मेरी मदद करो कि मैं इनको भूल जाऊं। मेरे दिल पर और जख्म मत लगाओ। यार अगर नए हो और इतना एंजॉय करने के बाद भी अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करते तो अल्लाह करे तुम नंगा नहाने जाओ और तुम्हारा तौलिया बाहर रह जाए। ओए तौलिया पकड़ाई ओए। देखो इन सारी रोस्टिंग वीडियोस का मतलब ये नहीं कि मैं इन सारी चीजों से बस तहे दिल से नफरत करता हूँ, ये मजाक है। हमारी शट्टी ले लो। सब्सक्राइब।